हाँ जी मैडम, कब से रह रहे हो आप इधर? क्यों भाई साहब? जी हम बिजली विभाग से हैं, आपका मीटर देखा है, वो फर्जी रीडिंग दिखा रहा है। सुनना जी, ये तार देख रहे हो आप, ये डायरेक्ट हो रखी है, 1000 रुपए की बिजली जलाओगे जब जाके 100 रुपए का बिल आएगा आपका। नहीं तो सर, हमारा तो बिल एकदम सही आता है, कोई गड़बड़ नहीं आई अभी तक। तो भाई हम क्या झूठ बोल रहे हैं, तेरे सामने ये देख ले जो भी है। देखो जो पहले लोग वो रह के गए, क्या पता उन्होंने कराया हो, हमें तो देखो मालूम है नहीं इस बारे में। फिर किसे पता है भाई? भैया हम तो बिल भी पूरा दे रहे हैं और हमें मालूम नहीं है कुछ इसके बारे में। मैडम कितने टाइम से रह रहे हो आप यहाँ पे? 3-4 साल हो गए होंगे। अरे क्या बात कर रहा है, इनसे तो लाइन काटना। क्यों क्यों काट लाइन? मैं बोल तो रहा हूँ भाई साहब, हमने नहीं किया हुआ है। ये तार दिख रहा तेरे को, ये डायरेक्ट हो रखा है, किसने करवाया होगा, खुद तो हुआ नहीं होगा ये। तो आप ठीक कर दो फिर भाई। ठीक ठाक ना होता, यू कनेक्शन हो तेरा कट। धारा 135 पे 3 साल की जेल है और 1.5 लाख का जुर्माना है। किस बात का जुर्माना होगा, हमने किया ही नहीं है, जब कुछ किया ही नहीं है, हमने तार ही नहीं लगाया इसके अंदर, हमारा क्यों जुर्माना? ठीक है नहीं करा ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तू एक काम कर, तू मीटर की फोटो ले और दफ्तर भेज दियो, जो होना होगा वो खुद हो जाएगा। भैया हमने जिनसे घर लिया है ना, उन्होंने किया होगा, हमें मालूम नहीं है इसके बारे में कुछ, और आज से पहले तो कभी कुछ हुआ भी नहीं ऐसा। मैं डीलर की बात करवा दूं आपसे, डीलर भाई साहब मुझे नहीं करनी किसी से भी बात। और मैडम हमें भी नहीं मालूम ये मीटर आपके नाम पर है ना, है कि नहीं। बस तो फिर ये चीज आपको घर लेने से पहले देखनी चाहिए थी। अब जिसके भी नाम पे ये मीटर है ना, उसकी आईडी मुझे ला दो, मैं आगे दफ्तर भेज दूंगा, और जब दफ्तर से फोन आए आप पहुंच जाना, मैं कुछ नहीं कह रहा यहाँ पे। भाई साहब आप 2 मिनट इधर आओगे? क्यों? 2 मिनट ही लेंगे, 2 मिनट। सर देख लो कुछ, ये देखे साफ कर लेते हैं सर, हमने नहीं लगा रखे सर ये तार, अब इतने कोर्ट कचहरी के चक्कर हम क्या लगाएंगे बताओ, नॉलेज ही नहीं है मामले में। 25,000 लगेंगे सर। 25,000 तो बहुत ज़्यादा बता रहे हो, इतने पैसे थोड़ी ना है मेरे पास, मैं छोटा मोटा काम करने वाला आदमी। ये वाला तार देखिए मैडम, ये ब्लैक वाला पीछे आपका डायरेक्ट आ रहा है, इस वजह से आपका मीटर में बिल नहीं आ रहा। देख भाई फोटो आगे दफ्तर तक पहुँच चुकी है, 1.5 लाख से हाथ धोने से बढ़िया मैं 3.25 लाख रुपये बचा। बात सर आपकी सही है, पर आप भी तो समझो, इतने पैसे मुझे भी तो चाहिए, 30-40 हज़ार की नौकरी करता हूँ बस। मैंने बता दी है 25,000 लगेंगे, सो कहीं से भी करके दे दे, मैं ले जाइए। इतने खर्चे में ही लेंगे सर, देख लो मैं 4,000 रुपये करवा देता हूँ, 4,000 रुपये घर में कैश। 4,000 रुपये दक्षिणा दे रहा है क्या? नहीं सर दक्षिणा की बात नहीं सर, पैसे होने की तो चाहिए आदमी के, देने देख लो सर प्लीज। चल ठीक है, तो 25 मुझे 20-22 पकड़ दे दे सर। नहीं सर बहुत ज़्यादा है सर, है नहीं इतने पैसे, बस मुझे इतने पैसे नहीं। तो भाई मेरे बिल्कुल नहीं, हमें पता ही नहीं है सर इसके मामले में कि क्या हो रखा है सर। अरे मेरी बात सुन सर प्लीज़ सर, देखो सर तू दफ्तर जाओ और 1.5 लाख रुपये मिल के। हाँ सर नहीं दे ही नहीं सकता सर, इतने पैसे हैं अभी मेरे घर में भी पड़े होंगे तो 5 पड़ोगे, 1,000 रुपये और दे दूँगा सर, मैं 4 के 5 दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता सर, है नहीं सर इतने पैसे मैं जा सकता। वो तो तुमने बहुत इज्जत से बात करी है इसलिए छोड़ रहा हूँ। आपको ये घर लेने से पहले ना देखना चाहिए था। हेलो हाँ चल ठीक है, अब की बात तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर अगली बार मिले तार उल्टे सीधे मिले तो फिर हम कोर्ट में मिलेंगे। ठीक है ठीक है सर, जाओ दरवाज़ा लगा लो। हाँ अगर मेरे बात कोई आता है तो उससे कहना कि कोई नहीं आया था, कुछ नहीं हुआ था, कुछ ख़राब नहीं है। ठीक चलो जाओ। ठीक हाँ जी इधर आओ। हाँ जी सर, जब मैंने आपको मीटर दिखाया था आपको पता चला था कि कौन सी तार किस चीज़ की है? नहीं। तो आपको ये पता थी कि कौन सी तार कहाँ से आएगी जिससे आपका मीटर डायरेक्ट हो जाएगा? नहीं सर। यार ऐसे तो आपको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। मतलब क्या सर? पहले तो नहीं पैसे को क्या सर दफ्तर से ही हम लोग आप लोगों को ये समझाने के लिए आए थे कि अगर आपसे आके कोई ये कहता है कि आपका मीटर गलत रीडिंग दिखा रहा है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपने कुछ गलत नहीं कर रखा है तो। रोजाना ऐसी दर्जनों लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं स्कैमर, पुलिस और जुर्माने के डर से डराकर आप लोगों से पैसे हट के चले जाते हैं। हर इंसान के लिए सबसे आसान तरीका यही होता है इन सबसे बचने का कि वो रिश्वत दे दे, और आप लोग दे देते हो।
स्कैमर का स्कैम पूरा हो जाता है और आप लोग बेवकूफ बन जाते हो। और अगर कोई बिजली विभाग से आता भी है तो उससे उसकी आईडी मांगू ओपनली बिना किसी भय के। और अगर आपने कुछ नहीं कर रखा फिर भी आपसे वो ये कह रहा है कि आपका मीटर कोई ना कोई रीडिंग गलत दिखा रहा है या कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो सीधा पुलिस को फोन मिला दो, वो पकड़ा जाए। स्कैम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं बिजली के, इसलिए दफ्तर वालों ने मिलकर ये जागरूकता का काम शुरू करा है आप जैसे लोगों के लिए जिनको ये भी नहीं पता कि मीटर में कौन सी तार किस चीज के लिए। सर मैं तो डर गया था सर, सच में भाई मैंने आपको कुछ भी नहीं डरा है, जो आपको स्कैम में डरा। आप 5,000 की जगह 10,000 भी देते, 15,000 भी देते, सत्ता दे देते सर, डर तो गए थे क्योंकि। थैंक यू सर पर आपने बता दिया, वरना हमें तो मालूम ही नहीं था इस बारे में कुछ भी। चलो आइंदा से ध्यान रखो। ठीक है सर, थैंक यू सर। और आप लोग, अब आप लोग भी इस चीज का ध्यान रखो कि कब हमारे साथ कौन सा स्कैम कहाँ हो जाता है, हम लोगों को पता भी नहीं चलता और हम लोग इस चीज पे ध्यान भी नहीं दे। तो अगर गलत नहीं हो तो डरो मत, सवाल करो, आईडी मांगो और पुलिस को भी बुला लो। और ये वीडियो हर जगह शेयर करना, जिससे आपके आसपास वाले के साथ अगर कभी कोई ऐसा स्कैम हो तो उन्हें पता चले कि क्या करना है और क्या नहीं। मिलते हैं।